नमस्कार दोस्तों, मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी ठीक होंगे। और यहाँ तो मैं बाल धुल ली थी, अभी थोड़ा सा झाड़ू पोछा करने के बाद सब धुली हुई हूँ, इसलिए थोड़ा लेट हो गया है। और ये शाम का टाइम है, शाम को मैंने यहाँ झाड़ू पोछा सब किया है और बाल भी मैंने शाम को ही धुल लिया है। और उसके बाद आज गर्मी आ रही है तो सोच रही हूँ कि आज कूलर वूलर सब साफ ऑफ कर लेती हूँ, क्योंकि कल से व्रत है, फिर टाइम नहीं मिलता है, सबका बनाना रहेगा, पीहू का अलग, हम लोग का अलग, तो इसलिए टाइम थोड़ा कम मिलेगा। और मैं यहाँ अपने कपड़े सारे फोल्ड कर रही थी, मैंने सोचा जल्दी जल्दी फोल्ड कर लेती हूँ क्योंकि धीरे धीरे फिर रात होने लगेगा। और ये सबके कपड़े अलग अलग, जिसके जो कपड़े हैं उसको सब अलग अलग मैं फोल्ड कर रही हूँ। हम औरतों की ज़िंदगी ऐसी है, सारा टाइम काम करते ही निकल जाता है। और इसके बाद मैं कूलर साफ़ करूँगी क्योंकि कूलर भी गंदा हो गया है और 3-4 महीने से चला नहीं है, तो रखे रखे धूल जम गए, उसको मैंने ढका भी नहीं था। और अब रात में फिर गर्मी भी लगती है, तो मैंने सोचा लाओ जल्दी से सारे कपड़े फोल्ड करने के बाद फिर मैं कूलर की सफाई करूँ। कपड़े फोल्ड करने के बाद ये मैं दूध रख दी थी, मैं दूध गर्म हो रहा था और ये दूध गर्म हो चुका है और इसको मैं ढक दे रही हूँ। और ये देखिए कूलर कितना गंदा हो गया, कितना उस पर धूल जम गया है और बहुत ज़्यादा इस पर धूल हो गया है, यूज हो नहीं रहा था इसलिए बहुत गंदा था। तो ये पहले मैंने पानी लिया है और फिर एक कपड़ा लेके पहले मैं इसको अच्छे तरीके से पोंछ लेती हूँ। और उसके बाद मैं फिर सर्फ़ और दूसरे कपड़े से पोछूंगी, सर्फ ले लूँगी और उसकी मदद से मैं इसको साफ़ करूँगी। सर्फ से थोड़ा सा पानी में घोल लेने के बाद बहुत 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 अच्छे तरीके से चमक जाता है। और ये देखिए मैंने थोड़ा सा कैमरे के नज़दीक कर दिया है, ज़्यादा दूर था। और ये पानी उनी का दाग इस पे पड़ा है तो बहुत ज़्यादा सा जम गया है, नीचे नीचे देखिए जम गया है। और ये पीछे का इसका जो दरवाज़ा था साइड का सब निकाल दिया गया है, मैंने कहा इसको अंदर से भी अच्छे से साफ़ कर दूंगी, जबकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है इसीलिए मैंने पीछे का जो सफाई किया था उसको मैंने दिखाया नहीं है इसमें। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हस्बैंड और वाइफ के जो बीच के झगड़े हैं उसको बहुत ज़्यादा नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि लंबा खींचने से भी हम लोग तो परेशान होते हैं, घर वाले भी साथ में और बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और हम लोग के बीच भी ऐसा ही है कि अगर सुबह झगड़ा हुआ तो 1 घंटे बाद बातचीत शुरू हो जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभाव तो बच्चों पे ही पड़ता है और झगड़े को ज़्यादा लंबा खींचना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। और कपड़े से साफ़ करने के बाद मैं इसे ब्रश से भी साफ़ कर रही हूँ, ये देखिए इसमें के धूल हैं वो सब निकल जाए। और जब ये साफ़ हो जाता है तो बहुत बहुत अच्छे तरीके से चमकने भी लगता है। अब तो साफ़ सफाई हो गए, लेकिन ठंडक की वजह से ये साइड में ही पड़ा रह गया था, इसकी सफाई हो नहीं पा रही थी। ऊपर ऊपर से तो सफाई हो जा रही थी लेकिन अंदर इतना साफ़ नहीं किया जा सकता है, अब इसका काम पड़ गया तो है। और ये पीहू बार बार आ रही थी, पूछ रही थी क्या ले लें या ना ले, दिन भर वैसे ही खेलती रहती हैं अपना। और ये देखिए कुछ हद तक तो साफ़ भी हो गया है पानी से ही। और उसके बाद फिर मैं दूसरा ये ले आई हूँ, इसमें मैंने सर्फ़ डाला है और सर्फ़ डाल के फिर मैंने कपड़ा भी चेंज कर लिया है और वो कपड़ा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो अब देखिए हमारा कूलर तो लगभग बहुत ही साफ़ हो चुका है, पहले से तो बहुत ज़्यादा साफ़ हो गया है, धूल मिट्टी हट गई। और पीहू बार बार पूछ रही थी मम्मा ये ले लूँ, लिपस्टिक है ये मेरा थोड़ा सा था तो बोली मैं खेलने के लिए ले लूँ, तो बार बार पूछ रही थी। और जब तक किसी चीज़ के लिए हाँ ना कह दो तब तक ये पूछती रहती हैं, तो मैंने कहा ठीक है जाओ ले जाओ। अरे देखिए फिर अपना खेलने लगी अंदर कमरे में।
और आप देख सकते हैं कि देखिए हमारा कूलर साफ़ हो चुका है और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये देखिए मेरा कूलर एकदम चमक गया, गर्मी अब धीरे धीरे गर्मी होने लगा है इसलिए मैंने सोचा सब कूलर वूलर साफ कर लेती हूँ। और ये आप देखिए सारा कूलर मैंने कितने अच्छे से साफ कर दिया है। पहले मैंने इसको पानी से साफ किया था और उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा सर्फ डाल के और फिर मैंने इसको अच्छे से साफ कर दिया, क्योंकि जो पानी उन्हें गिरता है छींटे उठे पड़ते हैं तो उसके भी दाग लग जाते हैं तो जल्दी छूटते नहीं हैं। तो पहले मैंने इसको पानी से पूरा पोंछ लिया जिससे वो थोड़ा सा फूल जाए और उसके बाद फिर मैंने सर्फ से इसको साफ कर लिया ब्रश की सहायता से। और आप भी देख रहे हैं मेरा कूलर एकदम नया जैसा हो गया है। और ये कूलर 2013 का ही है, मेरी शादी का है, पापा मेरे लाए थे लखनऊ से। और आज भी देखिए कितना सही है और कितना चमक रहा है। और यहाँ कूलर एकदम पूरी तरीके से साफ हो चुका है, आप भी देख सकते हैं। और ये पीयू बाहर झाड़ू लगा रही थी, बोली कि मम्मा हम झाड़ू लगा दें, तो अंदर तो मैंने शाम के टाइम लगा ही लिया था, फिर ये बोली मैं बाहर लगा लेती हूँ। और ये ज़मीन पे जो बाइक है उसमें से थोड़ा सा तेल गिरता है तो उसी के दाग हैं, वो जल्दी छूटता ही नहीं, अब जब मैं धुलूँगी तभी छूटेगा वो सर्फ से ही। आज पता नहीं कहाँ से इनके मन में आया कि मम्मी मैं झाड़ू लगा दूँ, तो मैंने कहा जा लगाओ, मुझे थोड़ा सा बर्तन भी धुलना था तो मैंने कहा जाके लगा दूँ। और मैं अंदर बर्तन में अपना धुलने लगी। और बगल में पीयू फिर आके खड़ी हो गई थी किचन में, लिख रही थी तो बोली मम्मा ये बता दो, तो मैं उन्हीं से बात कर रही थी और मैं बर्तन वर्तन भी धुल रही थी, चाय के कुछ बर्तन थे और कुछ वैसे भी रखे हुए थे, तो मैंने कहा लो सब धुल के इकट्ठा निकाल देती हूँ। और फिर ये पीहू मेरे बगल में आके खड़ी हो गई, अपना पूछने लगी और धीरे धीरे मेरा सारा बर्तन धुल भी गया और साथ में मैं सिंक भी साफ कर लेती हूँ जिससे कि सिंक ज़्यादा गंदा नहीं होने पाता है। जब मैं बर्तन धुलती हूँ तो जस्ट उसके तुरंत बाद मैं उसी हाथ से मैं सिंक भी धुल देती हूँ। और फिर सारा काम करते करते थोड़ा सा थकावट भी हो गया था तो मैंने शाम को केवल पराठा बनाया था आलू का। और मैं अपना वीडियो अब यहीं समाप्त करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्कार।